सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में जो इंस्टाग्राम की है, और वो है यूअर अकाउंट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूअर अकाउंट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है जिससे हम अपने कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट को ठीक कर पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आपको यही डिफाइन करूंगा कि आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है जिससे कि अगर आपको कोई अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड में चला गया है इंस्टाग्राम का, आप उसे ठीक कर पाओ, और वो भी बहुत आसानी से। सॉल्यूशन के ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, दो वीडियोस तीन वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप यही बात करेंगे कि आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है जिससे आप अपने कॉम्प्रोमाइज अकाउंट को ठीक कर पाओ, और थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा कि आपको इन चीज़ का कैसे यूज़ करना है ताकि आप अपने कॉम्प्रोमाइज अकाउंट को ठीक कर पाओ। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कर लेना, और अगर आप मेरे पहले से ही YouTube सब्सक्राइबर्स हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, और चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है वो है यूज़र नेम का। तो अब आपको अपना यूज़र नेम पता होना चाहिए, जो अकाउंट आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है उस अकाउंट का यूज़र नेम आपको पता होना चाहिए, और उस यूज़र नेम का आपको कैसे यूज़ करना है आप सुन लीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है, फॉरगॉटन पासवर्ड पर जाना है, ठीक है। फॉरगॉटन पासवर्ड पर जाने के बाद आपको वहाँ पर ये फाइंड योर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, और वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर अपना यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल या कुछ भी एंटर करिए जिससे आपका अकाउंट यहाँ पर शो हो जाए और आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर पाओ। तो दोस्तों, यूज़र नेम आपको कैसे फिल करना है वो आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी। इसके भी दो तरीके होते हैं, एक तो आपको जो मतलब जैसे ही आप अपना किसी भी अकाउंट में अपना जो है अकाउंट सर्च करोगे, जो सबसे ऊपर होता है वो आपका यूज़र नेम होता है, और दूसरा क्या होता है कि आपको कॉपी लिंक करना है अपनी प्रोफाइल का, और उसमें भी आपको जो है यूज़र नेम मिल जाएगा, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। अब आता है सेकंड स्टेप, मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, आपको सेम टू सेम क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है, फाइंड योर अकाउंट या गेट हेल्प लॉगिंग इन किसी पर भी क्लिक कर लीजिए, वहीं से आपको फाइंड योर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों वहाँ पर मोबाइल नंबर यूज़र नेम सेम टू सेम आएगा, लेकिन आपको मोबाइल नंबर कैसे फिल करना है, आपको वहाँ पर लिखना है +91, मतलब कि इंडिया का कोड है +91। आप जिस भी कंट्री को हो आपको अपना कोड वहाँ पर फिल करना है, इंडिया का +91 है, तो हम +91 लेकर अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर एंटर करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट वहाँ पर शो हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको नो यूज़र फाउंड की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही आपको जीमेल अकाउंट क्या है आपको पता होना चाहिए कि आपका जीमेल अकाउंट क्या है। आप जैसे ही अपना जीमेल अकाउंट भी वहाँ पर एंटर करेंगे तो आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपका अकाउंट वहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों, ये तीन तरीके थे, और एक है फेसबुक वाला। तो अगर आप फेसबुक पर क्लिक करके भी अपना मतलब कर सकते हो तो आपको वहाँ पर क्या करना है, नो मतलब कि यूज़र नेम या मोबाइल नंबर कुछ भी एंटर करना होगा, उसके बाद आपको नीचे फेसबुक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके वहीं से लॉगिन करना है, तभी आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमें अपने मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और जीमेल अकाउंट का कैसे यूज़ करना है अपने कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट को वापस लाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप उन स्टेप को फॉलो करिए और आपका अकाउंट जो है बैक हो जाएगा। अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आई बटन में भी दे दूंगा, और लास्ट में एंड स्क्रीन में भी वीडियोस को एंड कर दूंगा, आप उन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लीजिएगा और आपके जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आप इन चीज़ों के बिना अपना जो अकाउंट है वो ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आप अपना अकाउंट को जो है ठीक कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।